हेलो हेलो चेक हेलो 1 2 3 हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 इनकलाब जिंदाबाद अल्टरनेटिव रास्ता खोल दो, लेके रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं इस समय दक्षिणी दिल्ली के आय नगर इलाके में बाबा मंगलदास मिनी स्टेडियम एवं छठ घाट पार्क है। यहाँ पे छठ का भी आयोजन किया जाता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा इधर दिखाइए, छठ का भी घाट है और इस दोनों तरफ ही है। और यहाँ पे आय नगर के कुछ लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनका कुछ स्थानीय मुद्दा है जिसको लेकर ये अपने जनप्रतिनिधियों से काफ़ी नाराज है। अल्टरनेटिव रास्ता वो बंद है जिनके कारण इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि हमारे घर समय से एम्बुलेंस नहीं जा सकता, अगर किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना हो गई तो आपातकालीन गाड़ी तक नहीं आ सकती। तो इसी को लेकर आज उन्होंने यहाँ पर एक बैठक किया है, अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। तो आइए, मैं सबसे पहले जो यहाँ पे कुछ लोग हैं मैं उनसे बात करता हूँ। सर, आपका बी न्यूज 24 में स्वागत है। मैं त्रिभुवन कुमार समस्त आया नगर वासी की ओर से अपने जीते हुए प्रतिनिधि पार्षद जी विधायक जी से 5 साल से लगातार अल्टरनेटिव रास्ता के लिए मांग करते आ रहा हूँ। इन दोनों विधायक जी और पार्षद जी ने आज तक हम लोगों को टाल मटोल करते हुए 1,70,000 लगभग की आबादी को परेशान करने और जाम से जूझने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। आए दिन सुबह और शाम डेली जाम लगता है जिससे बहुत बच्चों का स्कूल भी छूट जाता है, बहुत का ड्यूटी। सर एक मिनट, ये जाम जो लगता है, इस जाम का जो मुख्य कारण क्या है और जाम ये लगता क्यों है? मुख्य कारण ये है कि यहाँ बरसों से एक अल्टरनेटिव रास्ता था। कहाँ पे था वो रास्ता? बस स्टैंड, जो हमारे आया नगर का बस स्टैंड है वहाँ मुख्य रास्ता था जो मेट्रो पुल के पास है। नहीं, अच्छा, यहाँ पे बस स्टैंड, हाँ, एक बस स्टैंड है जो कि यहाँ बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ अल्टरनेटिव रास्ता था। पहले कुछ साल पहले वहाँ पुलिस भी लगी थी, करीब 1 महीना के करीब लगी थी कि एक तरफ से जाना है एक तरफ से आना है। आज वही रास्ता को पार्षद जी को क्या आफत पड़ गया जो कि रास्ता उन्होंने बंद करवा दिया। किस पार्टी का पार्षद है? आज हमारे कांग्रेस पार्टी का पार्षद जी है। हम लोगों ने पूरे कॉलोनी मिलकर के बहुत उम्मीद से उनको जिताया, लेकिन उन्होंने आते ही हम लोगों को इतना बड़ा सौगात दिया है कि 1,70,000 लोगों का मतलब एक जानलेवा जाम में छोड़ करके उस रास्ते को घेर दिया है। आप अपना नाम बताइएगा। दिनकर शर्मा। तो दिनकर जी, ये बताइए कि जो पार्षद है उनका नाम क्या है? जो पार्षद है आपके कांग्रेस का, उनका नाम क्या है? वेदपाल जी हैं। वेदपाल जी है, तो वो क्यों नहीं आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं? वहाँ तो उल्टा पार्क बनवा दिया, वो गंदा नाला, वो ये तालाब बना हुआ है जो जिसके बगल से भी गुजरना खतरनाक है, सांस में इतना गंदगी और स्मेल है। और उस जगह पार्क ये बना दिया गया बैठने उठने के लिए, वहाँ जाने वाला कोई नहीं है। इसको लेकर के कभी आप जो आपके जो इलाके का जो सांसद है वो रमेश भी धूड़ी जी है, वही है ना सांसद आपके यहाँ के, तो उनके पास आप लोग कभी गए इन समस्याओं को लेके? लेकिन ये चीज मुख्य रूप से पार्षद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। हर जगह में कहते हैं कि बाप के ऊपर बाप होता है, यानी कि हमारे जो सीनियर के ऊपर एक सीनियर होता है, अगर पार्षद नहीं सुनता है तो उसका एक स्टेप ऊपर होता, हम विधायक के पास जाते हैं। अगर विधायक नहीं सुनता है तो हम सांसद के पास जाते हैं, अगर सांसद नहीं सुनता तो उसके ऊपर भी व्यवस्था है। तो कभी आपने इस तरह का कार्य किया या ऊपर जाने का कोशिश किया?
नहीं, अब सांसद को भी सूचित किया जाएगा, विधायक तक बात पहुंचाई गई है, RWA के लोग गए थे, लोग मिले हैं, अपनी बात रखे हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब सांसद को भी कहेंगे, धरना प्रदर्शन होगा। आपका क्या कहना सर? एक मिनट, हाँ, आप अपना नाम बताइएगा। अमरेंद्र कुमार ठाकुर। अमरेंद्र जी, मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपके इलाके में पानी का भी बहुत बड़ा समस्या है। देखिए, पानी की समस्या का जो है व्यवस्था, आप आज आगे देखिए कि निगम पार्षद की चुनाव हुई थी, उस समय इन्होंने घोषणा किया था पिछले साल कि हम आपको सोनिया बिहार का पानी का लाइन देंगे, तो आया पानी। सुनिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, गड्ढा खोद करके छोड़ दिए 6 महीना तक। उसके बाद फिर आया MLA का इलेक्शन का टाइम, उस समय उन्होंने पाइप डाला, पाइप डालने के बाद उसके बाद आज तक कुछ किया ही नहीं। अभी फिलहाल जब हम लोगों ने जोर लगाया तो उन्होंने बूस्टर के लिए वहाँ पर उद्घाटन किया, कम से कम 10 बार उद्घाटन हो चुका है, उस होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। आज उन्होंने C2 के पास से मेन रोड को तोड़ करके, जो कि मुश्किल से 10 मीटर भी नहीं तोड़ा है, और उसको 6 महीना हो गया और अभी तक कोई काम नहीं किया है। लोगों को इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है कि जिसकी वजह से सिंगल रोड हो गया है, 3 एक्सीडेंट हो चुका है वहाँ पर, उसको देखने वाला कोई नहीं है, काम बंद है, JCB वहीं पर खड़ी पड़ी है, उसका बिल भर रहा है, उसका बिल कौन पे कर रहा है? आज हम पैसा देते हैं तो सरकार चलती है, वो सरकार उसको पेमेंट कर रहा होगा, वो पैसा कहाँ से आता है? और काम बंद है हमारी, और पब्लिक ट्रस्ट है, और आज तक हम लोगों को सोनिया बिहार का एक बूंद पानी नहीं आया। अभी भी जब इलेक्शन का ये शुरू हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि हर कॉलोनी में जाकर के नारे फोलना शुरू किया, एक आध ट्यूबवेल लगाया भी है उन्होंने, जिसको आज तक उन्होंने चालू नहीं किया, और कहा कल से लाइन शुरू होगी, आज तक काम बंद हो गया। अब जब परिसीमन की बात होने लगी, तीनों निगम पार्षद को एक करने की बात हो गई, उसके बाद से सब अपने अपने घर बैठ गए हैं, एक भी काम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब समझे कि जो आपके नेता है आपके बीच में आपको छलने के लिए, आपको धोखा देने के लिए आते हैं, यही माने? एकदम, आज हमारे जिस तरह से आप पानी के विषय में, जो कि निगम पार्षद का काम नहीं है, वो काम है MLA साहब का, करतार जी ने केवल आया नगर गांव को चला है। इन्होंने 10 टैंकर पानी, 20 टैंकर पानी भेजवाता है लोगों को, और कहता है केजरीवाल जी हमारे कहते हैं कि मैं तो फ्री पानी सबको दे रहा हूँ, एक भी पानी यहाँ पर नल नहीं है। तो इसके लिए दोषी किसको मान रहे हैं, पार्षद को, सांसद को, या विधायक को? मैं तो सबसे पहले मानूंगा यहाँ के पार्षद MLA को, कि MLA साहब ने सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, वो हमेशा ये जाकर के, हमने उनका विधानसभा में भाषण सुना कि हमने पूरा पानी की व्यवस्था कर दिया, जल नल योजना हमने चालू कर दिया है, कहीं आज तक नहीं हुआ। अभी अभी आपने विधानसभा का सत्र में एक आपके जो दिल्ली के CM साहब है उनके कुछ बातें भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीरियों, जो कश्मीरी पंडित है, 233 कश्मीरी पंडित को हमने नौकरी दिया, उसको परमानेंट किया, जबकि ये सरासर झूठ बात है, क्योंकि जब उसका एक RTI के थ्रू पता किया गया तो उन लोगों ने जो माइग्रेट जो कश्मीरी सोशल लोग थे वो कोर्ट से लड़कर के अपनी नौकरी लिया था। तो केजरीवाल जी क्या मानते हैं, क्या आप सरासर वो झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा है वो? ये सिर्फ जो है झूठ के पुलंदा है केजरीवाल जी। अब ये लग रहा है हर जल योजना जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट लाने की जो बोला हुआ है उसको लेने के चक्कर में, यहाँ 2017 से कहीं भी पानी नहीं आ रहा, 2017 में देंगे, 2020 में देंगे, 2018 में ही बोला था, लेकिन कोई बिजली का यहाँ पर पानी की उपलब्धि नहीं है। हम रहते हैं ब्लॉक C2 में, वहाँ पर यू इमेजिन कि एक एक महीने में एक एक गली में पानी आ रहा है, एक महीने में गली, एक महीने में एक बार। तो कैसे आप लोग मतलब यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं? आप लोग अपना पानी मंगा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब इसको कहे तो वाटर जो टैंकर माफिया का ये काम है, टैंकर माफिया का काम है। इलेक्शन के टाइम पे ये उठते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, उसके बाद सो जाते हैं। और आज की डेट में तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक हमारा कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम हो चुका है, एक पोस्ट का कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम हो चुका है। छोटी पाइप जो हमारे सप्लाई में जा रही है, अभी जो भाई साहब ने बताया वो बूस्टर नहीं है, वो सीवर लाइन का लाइन के लिए खोद रहे हैं, विदाउट प्लानिंग काम हो रहा है। अच्छा, विदाउट प्लानिंग, वेस्टेज ऑफ मनी। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? वेस्टेज ऑफ मनी। नाम बताइए। विनोद कुमार। तो आप किस लाए विनोद जी यहाँ पे? अल्टरनेटिव रास्ता के लिए आए हुए हैं। अल्टरनेटिव रास्ता के लिए आए हैं, जाम बहुत लगती है। तो
एक भाई साहब हमारे, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम तो कन्हैया है, बस एक क्वेश्चन आपने करा था तो उसका ये आंसर दे दो कि ठग और परेब का नाम आम आदमी पार्टी है, जिसके सरदार अरविंद केजरीवाल जी है। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये लगता नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आईआईटी इंजीनियर या आईआरएस ऑफिसर है, इससे अच्छा तो बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुआ करती थी, जो कम से कम गड्ढे खोद के परेशान तो नहीं करती थी। इसका ऐसा काम उनके पास रखना चाहिए। ये जो आया नगर या दिल्ली के अंदर जो भी काम हो रहा है, ये जेन्युइनली काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं होता है। काम तो तब होता है ना जब कोई मिशन या विजन हो। इनके पास न मिशन है न विजन है। अगर है तो चलो ठीक है, गड्ढा खोज दो और उसके बदले थोड़ा सा चेक निकाल दो, और अंडर से IRS है, इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं तो जानते हैं कि कैसे व्हाइट को ब्लैक करा जाता है। वो ब्लैक निकालो और बड़े बड़े होर्डिंग लगा दो, ब्लैक को व्हाइट या व्हाइट को ब्लैक, व्हाइट को ब्लैक, व्हाइट को ब्लैक कहने का था, व्हाइट को ब्लैक, बड़े बड़े होर्डिंग निकाल दो। तो इनका काम तो यही है, कोई प्लानिंग होता नहीं है। आओ पब्लिक को परेशान कर दो कि एक दिन में क्या होता है, और ये कौन सोचता है नौकरी छूट जाता है। और इसके लिए विधायक जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए सांसद जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार नहीं है। पानी की जगह शराब बांट रखी है हमारे लिए। तो आप लोगों ने इनका जो समस्या, जो मुद्दा है, उन्होंने सुना? क्योंकि ना तो इनका पार्षद सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना सांसद सुन रहा है, लेकिन इन सभी का कहना है कि इन सभी चीजों का जो मेनली जो जिम्मेदार है वो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, वो इन चीजों का वो जिम्मेदार है। क्योंकि ये भी कहना कि वोट लेने से पहले वो लोग बड़े बड़े दावे किए, पर अपने दावों पर वो खड़े नहीं उतरे, जो वादे करके गए वादे पूरे नहीं किए, और यहाँ की जनता को मतलब परेशान कर रहे हैं, जनता की जो समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।